हरियाणा सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों के सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समय में बदलाव किया है। बता दें कि अब विद्यार्थियों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं अध्यापकों को सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 तक उपस्थित रहना होगा। यह आदेश 20 दिसंबर से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। वहीं सरकार के इस निर्णय का सरकारी और निजी स्कूलों ने भी स्वागत किया है। अभी सरकार की तरफ से जो निर्णय हुआ है कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का समय रहेगा और बच्चों के लिए 10 से 2 बजे तक का समय रहेगा, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इस निर्णय की इंतजार थी कि कब स्कूलों का समय कब बदले, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी धुंध में और उसमें ठंड में आ रहे थे, उनको बड़ी परेशानी हो रही थी और इससे बच्चों को बड़ी राहत मिलने वाली है। और बच्चे अभी बड़े, आज जैसे बच्चों से बातचीत की तो बच्चे बड़े खुश थे कि भाई हमारा समय जो है वो 10 से 2 हो गया है। सरकार ने जो निर्णय लिया है समय पर बहुत ही सही निर्णय लिया है, क्योंकि इससे जो आज ठंड का आसार थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, मतलब सहन नहीं हो रहा था, इतनी ठंड थी। और समय जो बदला गया उसकी अकॉर्डिंग बहुत आसानी हो जाएगी सुबह आने में, और एक उचित समय पर सही निर्णय लिया गया है। जो गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया, आई थिंक ये डिसीज़न बिल्कुल सही है, क्योंकि ठंड भी बढ़ती जा रही है और बच्चे जो दूर से आते हैं, गांव से आते हैं, उनके लिए तो वैसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ठंड की वजह से। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट डिसीज़न कि बच्चा जो है अब थोड़ा सा टाइम पे स्कूल पे आराम से पहुंच पाएगा, और अगर जो बीमार होने के चांसेस थे वो बच्चों के शायद थोड़े कम हो जाए। स्कूल का समय जो चेंज है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि जब सुबह बच्चे आते हैं तो कोई कोई बच्चे गांव से आते हैं, दूर से आते हैं, जिसके कारण सड़कों पर कई धुंध गिरी होती है। तो जब स्कूल का समय जो चेंज हो जाता है इसमें धूप निकल जाती है थोड़ा बहुत। स्कूल का टाइम चेंज हुआ है तो गवर्नमेंट ने बहुत सही डिसीजन लिया है, क्योंकि जब हम जल्दी स्कूल आते हैं सुबह सुबह के टाइम बहुत फॉग होती है और सड़क भी विजिबल नहीं होती। कई बार कुछ बच्चे गांव और बहुत दूर से आते हैं, उन्हें सड़क नहीं दिखती है और फॉग के कारण कई ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। अगर सरकार टाइम को लेट कर देती है स्कूल का, तो हमें सनलाइट की वजह से सड़क विजिबल हो जाएगी और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। स्कूल का टाइम चेंज हुआ है बहुत अच्छा डिसीजन है, इससे बच्चों का बहुत फ़ायदा होगा, इससे बच्चों का जो सर्दी जुकाम है वो होना भी कम हो जाएगा, क्योंकि जल्दी के टाइम में जो फोग होती है वो बच्चों को बहुत नुकसानदायक देती है, जिससे कि उनको बीमारियाँ भी लग सकती हैं, जिससे अगर टाइम चेंज हो जाता है तो थोड़ी सी धूप से उनका फ़ायदा हो जाएगा। अभी सरकार की तरफ से जो निर्णय हुआ है